हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल आसानी से बनने वाली मज़ेदार आमलेट की रेसिपी। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आमलेट बनाने के लिए पहले हम कुछ वेजिटेबल्स को फाइनली चॉप कर लेंगे। छोटी सी एक प्याज को कट करके डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी पत्ता गोभी डालेंगे, अब डालते हैं गाजर, हस्बे ज़रूरत हरी मिर्च डालेंगे। मैं इस ऑमलेट में दो अंडों को यूज़ करूंगी, इसी हिसाब से मैं वेजिटेबल्स डाल रही हूं। अगर आप अंडे ज़्यादा डालना चाहते हो तो वेजिटेबल्स की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें डालते हैं हस्बे ज़रूरत नमक। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद सारे वेजिटेबल्स को फाइनली चॉप कर लेंगे। देखिए वेजिटेबल्स फाइनली चॉप हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून बटर। अब इसमें डालेंगे 5 to 6 टी स्पून मिल्क। आप चाहे तो इसमें 1 टी स्पून मैदा भी डाल सकते हैं। अगर आप इसमें मैदा डालना चाहते हो तो दूध की क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे अंडा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। साथ में बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसके नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। एक अंडा तो हमने डाल दिया है, अब इसी तरीके से दूसरा अंडा डालेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए हमने अंडे को भी अच्छे से फेंट लिया है। आप चाहे तो इसे तवे पे डालकर इसका ऑमलेट बना सकते हैं, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट करेंगे। 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। एक ब्रेड के स्लाइस को इस तरीके से हाथ से छोटे पीसेस में तोड़कर इसमें डालेंगे। आप चाहे तो ब्रेड की स्लाइस को नाइफ से भी कट करके डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे पीसेस इक्वल हों, कोई भी छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं। दो अंडों के लिए मैंने एक ब्रेड की स्लाइस लिया है। अगर आप अंडे ज़्यादा ले रहे हो तो ब्रेड की स्लाइस भी 2 या 3 ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे श्रेडेड चीज़। चीज़ आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चीज़ से इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप एक बार इस ऑमलेट को ज़रूर ट्राई कीजिए। सॉस के साथ गर्मा गर्म ऑमलेट खाइए और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। इस तरीके से ब्रेड और चीज़ को अंडे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसका ऑमलेट बनाएंगे। गैस पे हमने पैन रख के अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे। अब पैन में डालेंगे 1/2 टी स्पून बटर और पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। हम जितना बड़ा ऑमलेट बनाएंगे उतना एरिया बटर से अच्छे से ग्रीस करेंगे। अगर आप बटर नहीं डालना चाहते तो तेल से भी आप ग्रीस कर सकते हैं। देखिए पैन तो अच्छे से ग्रीस हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं अंडा जो हमने वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके रखा है, और सारे वेजिटेबल्स को इस तरीके से स्पून से इक्वली स्प्रेड करेंगे। गैस की फ्लेम हमने लो पे रखा है। लो पे रख कर ही अब इस ऑमलेट को पकाएंगे। देखिए वेजिटेबल्स और ब्रेड अच्छे से स्प्रेड हो चुके हैं। अब हम इस पे लगाएंगे लिड। इस तरीके से इस पर लिड लगाएंगे और लो फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। आपने मेरी पोटैटो पिज़्ज़ा ऑमलेट की रेसिपी तो देखी होगी, अगर नहीं देखे हो तो उसे आई बटन से चेक कर सकते हैं। वो भी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इसकी लिड निकालेंगे और इस पर डालेंगे फाइनली चॉप कोरिएंडर लीव्स। कभी आपको कम से कम टाइम में नाश्ता बनाना हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये जितना आसानी से और जितनी जल्दी बनता है उतना ही मज़ेदार होता है। ये रेसिपी बच्चे और बड़े सभी को ज़रूर पसंद आएगी। लो फ्लेम पर इसे पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसी तरीके से इसे और 2 मिनट तक पकाएंगे। लो फ्लेम पर इसे पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। ऑमलेट नीचे से तो अच्छे से पक चुका है, लेकिन ऊपर से ये कच्चा है। इसे पकाने के लिए क्या करना है, इसके ऊपर हम इस तरीके से लिड रखेंगे और इसे आहिस्ता से लिड में पलटेंगे।
आमलेट को हमने लिड में पलट लिया है। अब इसे आहिस्ता से वापस इसे पैन में डालेंगे। जो हिस्सा कच्चा रह गया उसे आहिस्ता से इस तरीके से पैन में डालेंगे और लिड लगाकर इसे लो फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट तक पकाएंगे। आमलेट को लिड में पलटते वक्त बहुत ही एहतियात से पलटें क्योंकि आमलेट बहुत गर्म होता है, इसलिए लिड बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी और हाथ जलने के चांसेस रहते हैं। बहुत ही एहतियात से आमलेट को लिड में पलटें। लो फ्लेम पर इसे पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। आमलेट दोनों साइड से अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। मज़ेदार आमलेट सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आती हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।